To all, today we'll be dealing with the topic of cost under CPC. As we have already gone through the provision relating to interest, today we'll be dealing with the topic of cost. It would be also inclusive of different kinds of cost as well as the difference between cost and interest. Now let's begin with the topic. What do we mean by the term cost? Cost jo hai, iska kya matlab nikalta hai? ये अभी हम जानने की कोशिश करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कोर्ट जो है वो अवॉर्ड करता है कॉस्ट सो दैट जो भी एक्सपेंसेस इनक्योर हुए हैं सक्सेसफुल पार्टी को केस फाइल करने में और डिफेंड करने में वो बेसिकली रियम्बर्स किए जा सके. ये पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट जो है वो कॉस्ट ग्रांट करता है. नाउ लेट अस सी कॉस्ट होता क्या है. कॉस्ट जो है ये एक तरीके का स्टेट्यूटरी अलाउंस होता है जो कि सक्सीडिंग पार्टी एंटाइटलमेंट रखती है जिसको लेने के लिए. किससे लेने के लिए? लूजिंग पार्टी से लेने के लिए. इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? वो सारे एक्सपेंसेस जो कि इनक्योर किए जा रहे हैं डिफेंड करने के लिए या फिर सूट को प्रोसिक्यूट करने के लिए. ठीक है, तो इस दौरान जो भी एक्सपेंसेस इंक्लूसिव होंगे वो सब कॉस्ट की डेफिनेशन में बैठेंगे. नाउ ये किसी तरीके का बोनस नहीं है सक्सेसफुल पार्टी को. इट इज नॉट अ बोनस. इसे हम बोनस नहीं कहेंगे और ना ही लूजिंग पार्टी को दी गई पनिशमेंट के तौर पे देखेंगे. तो इट इज नॉट अ बोनस टू अ सक्सेसफुल पार्टी. इट इज नॉट अ पनिशमेंट टू अ लूजिंग पार्टी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट जो है वो किसके द्वारा पे किया जाता है. देन इन दैट केस या किसको पे किया जाना चाहिए. तो कॉस्ट जो है वो यूजली पेड किया जाता है लूजिंग पार्टी के द्वारा. किसको पे किया जाता है? सक्सेसफुल पार्टी को पे किया जाता है. बट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का डायरेक्शन इसमें इशू होना जरूरी है. कोर्ट जैसा डायरेक्शन देगा उसके बेसिस पे ही सक्सेसफुल पार्टी जो है उसको कॉस्ट मिलेगा और लूजिंग पार्टी उसको कॉस्ट देगा. नेक्स्ट इज कोर्ट जो है उसको ये पावर है कि वो ये डिटरमाइन कर सके. इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एक्चुअली कि कितने एक्सटेंड में कॉस्ट ग्रांट करना है, कॉस्ट कौन बेयर करेगा. ठीक है, अब एग्जांपल ले लीजिए. अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने जो प्लेंट फाइल किया है उसमें बहुत सारे रिलीफ्स मांगे हैं और उनमें से एक रिलीफ जो है वो कॉस्ट है. तो कॉस्ट जो है वो अवॉर्ड किया जा सकता है प्लेंटिफ को उतने पोर्शन में जितना पोर्शन प्लेंटिफ एस्टेब्लिश कर पाया है अपने क्लेम का. न कि जितना टोटल उसने क्लेम मांगा है उसके बेसिस पे कॉस्ट नहीं तय होगा. किसके बेसिस पे कॉस्ट तय होगा? जितने एक्सटेंड में प्लेंटिफ जो है वो सक्सेसफुल रहा है. सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे उसने 1,00,000 रुपए का क्लेम रखा है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए तक का ही अपना क्लेम एस्टेब्लिश कर पाया है. देन इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? सिर्फ 80,000 रुपए को ध्यान में रखा जाएगा जब कोर्ट कॉस्ट पे कर रहा है. नेक्स्ट इज कॉस्ट जो है ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है. कोर्ट जो है ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का. कोर्ट जो है साउंड लीगल प्रिंसिपल्स फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए कभी भी कॉस्ट ग्रांट करता है. ये किसी तरीके का एडिशनल चीज बेसिकली पार्टी को नहीं दे रहे हैं हम. बट ये कोर्ट क्या है, एक तरीके का अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए कॉस्ट ग्रांट करता है. और जब कभी भी वो कॉस्ट ग्रांट करता है वो देखता है कि साउंड लीगल प्रिंसिपल फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस केस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं. उसी के बेसिस पे कोर्ट जो है वो किसी भी पार्टी को कॉस्ट ग्रांट करेगा. नेक्स्ट इज कॉस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कॉस्ट जो है उसने फॉलो करना चाहिए इवेंट. कहने का मतलब है जो सक्सेसफुल पार्टी होती है वो एंटाइटल रखती है कॉस्ट को लेके अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन फॉर डिप्राइविंग हिम. कहने का मतलब है इफ ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. यानी कि प्लेंटिफ जो है यदि वो केस जीत गया है बट ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट देन इन दैट केस कोर्ट उसको कॉस्ट ग्रांट नहीं करेगा. ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही सक्सेसफुल पार्टी को कॉस्ट मिलेगा. लेकिन यदि सक्सेसफुल पार्टी जो है यदि वो कहीं ना कहीं गिल्टी है किसी मिसकंडक्ट की देन इन दैट केस कोर्ट जो है उसको कॉस्ट ग्रांट नहीं करेगा. नेक्स्ट इज नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इंटरेस्ट. अब कॉस्ट एंड इंटरेस्ट में टोटल मिला के 7 से 8 डिफरेंसेस हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. अब कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि एक तरीके का स्टेट्यूटरी अलाउंस है जो कि सक्सीडिंग पार्टी को दिया जाता है लूजिंग पार्टी के द्वारा. ठीक है, ऑन द ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट.
इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट जो है ये एक तरीके का कॉम्पनसेशन है जो कि क्रेडिटर को दिया जाता है। दूसरा डिफरेंस ऐसा बोलता है कि कोर्ट जो है वो अवॉर्ड करता है कॉस्ट विनिंग पार्टी को, रियम्बर्स करने के लिए वो सारे एक्सपेंसेस जो कि विनिंग पार्टी को सूट फाइल करने और उसको डिफेंड करने में लगा है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट में क्या है? इट इज अ पेड टू द लेंडर टू कंपनसेट द लॉस विच इज सस्टेन्ड बाय हिम ड्यू टू द नॉन रिफंड ऑफ द लोन अमाउंट एट अ प्रॉपर टाइम। अगर उसको प्रॉपर टाइम में उसका पैसा मिल गया रहता तो ही वुड हैव यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन मेकिंग मोर मनी, बट बिकॉज उसका पैसा जो उसने लोन पे दिया था वो उसको टाइम पे नहीं मिला, इसीलिए क्या हो गया? इसीलिए उसको अभी हम क्या कर रहे हैं? कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। वो कॉम्पनसेशन इज नथिंग बट अ इंटरेस्ट जो कि डेफिनेटली जो डेटर है उसको पे करना होगा, किसको? क्रेडिटर को। नेक्स्ट इज कॉस्ट में अगर हम आते हैं तो कॉस्ट जो है वो किसी को भी ग्रांट किया जा सकता है, यानी डिफेंडेंट को भी ग्रांट किया जा सकता है, प्लेंटिफ को भी ग्रांट किया जा सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए प्लेंटिफ ने झूठा केस फाइल किया, अब उस झूठे केस को भी तो डिफेंड करने के लिए डिफेंडेंट को कोर्ट में जाना पड़ा ना, तो उसको भी नुकसान हो गया, उसको भी वकील करना पड़ा, उसको भी टाइपिंग करना पड़ा, उसको भी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ा, उसका भी काफी समय गया। तो इवन जो कॉस्ट है वो डिफेंडेंट को भी ग्रांट की जा सकती है। तो कॉस्ट जो है कैन बी ग्रांटेड टू दी ईदर पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी को कॉस्ट ग्रांट हो सकती है। वेयर एज इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट जो है वो पेड किया जाता है हमेशा सक्सेसफुल क्रेडिटर को ही। इट कैनॉट बी ग्रांटेड टू द डेटर अगर वो जीत भी गया मैटर सपोज, तो भी उसको जो है इंटरेस्ट ग्रांट नहीं होगा। इंटरेस्ट हमेशा किसको ग्रांट होगा? क्रेडिटर को ग्रांट होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये बोलता है कि कॉस्ट जो है वो ग्रांट करना ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वेयर एज इंटरेस्ट जो है ये क्या होता है? इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल सम के ऊपर देना ही पड़ता है, कम या ज्यादा मात्रा में दिया जा सकता है, बट इंटरेस्ट जो मांगा है तो वो देना ही पड़ेगा कोर्ट को। और इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है दैट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सूट, दैट बिकम अ पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। फिर कॉस्ट जो है वो किसी भी सूट में ग्रांट किया जा सकता है, वेयर एज जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मनी सूट में ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये ना तो बोनस है ना ही एक तरीके का पनिशमेंट है पार्टी को, ठीक है, लूजिंग पार्टी को, और ना ही ये सक्सेसफुल पार्टी को बोनस है। वेयर इज इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये तो प्रिंसिपल मनी के ऊपर मिलने वाला प्रॉफिट है, ठीक है, और ऐसे वक्त में लेंडर जो है उसने ये प्रिंसिपल मनी यूज किया है, और उसने क्योंकि इसका प्रिंसिपल मनी क्रेडिटर का यूज किया है, देयर फोर जो क्रेडिटर है उसको उसके पैसे पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दिया ही जाना चाहिए। फॉर द रीजन अगर मान लीजिए लेंडर ने टाइम पे पैसा दे दिया रहता वापस, तो डेफिनेटली क्रेडिटर ने उस पैसे के ऊपर कुछ ना कुछ तो और पैसा कमाया ही रहता। नेक्स्ट इज कॉस्ट में बी इम्पोज ऑन द लूजिंग पार्टी और इवन ऑन द पर्सन हु आर नॉट द पार्टीज टू द सूट। कॉस्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा से पार्टीज के ऊपर ही इम्पोज किया जाए, इट कुड बी इम्पोज इवन ऑन अ स्ट्रेंजर। अगर स्ट्रेंजर पर्सन जो है यदि वो कोर्ट को कहीं पे भी मिसगाइड करने की कोशिश करता है, देन इन दैट केस उसके ऊपर भी कॉस्ट इम्पोज की जा सकती है। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है ये हमेशा डेटर के अगेंस्ट में पास होता है और क्रेडिटर को इंटरेस्ट ग्रांट किया जाता है। अगर हम बात करें आगे डिस्क्रिमिनेशन की, देन इन दैट केस हम देखेंगे कि कॉस्ट जो है ये रियम्बर्समेंट के नेचर का होता है, वेयर एज इंटरेस्ट जो है ये इन द नेचर ऑफ कॉम्पनसेशन होता है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द इंटरेस्ट। यू ऑलवेज रिसीव अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द इंटरेस्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉस्ट। द फर्स्ट इज जनरल कॉस्ट, सेकेंड वन इज कॉम्पनसेटरी कॉस्ट, थर्ड वन इज कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले एंड द फोर्थ वन इज मिसलेनियस कॉस्ट। ये चार तरीके के कॉस्ट होते हैं। नाउ फर्स्ट देखते हैं, जैसा भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉस्ट मतलब क्या है, तो विल हैव अ ब्रीफ आइडिया हियर ऑल्सो। सेक्शन 35 जो है वो डील करता है कॉस्ट के साथ में। कॉस्ट जो है किसी भी सूट का ये ग्रांट करना ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है। कहने का मतलब है कॉस्ट जो है वो किसी भी तरीके के सूट में ग्रांट करना या नहीं करना है कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन रहेगा। नेक्स्ट,
कोड जो है वो एम्पावर होता है कि वो पे करेगा कॉस्ट, बोलेगा पे करने का लिए कॉस्ट, किसको पे करने के लिए, दोनों में से किसी एक पार्टी को बोलेगा या किसी थर्ड पर्सन को बोलेगा, और कौन सी प्रॉपर्टी में से कॉस्ट पे किया जाना चाहिए, कितने एक्सटेंड में पे किया जाना चाहिए, ये सब बातें भी कोड अपने डायरेक्शन में ही देगा, अपने ऑर्डर में ही देगा। फिर उसके बाद में इवन अगर मान लीजिए कोर्ट को जुरिस्डिक्शन भी नहीं है मैटर को एंटरटेन करने के लिए, तो भी इट कैन एक्सरसाइज सच पावर एंड देयर बाय ग्रांट अ कॉस्ट टू द पार्टी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 35 का। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि जो सक्सेसफुल लिटिगेंट है उसको एक्सपेंसेस जो भी इनक्योर हुए हैं वो सब रियम्बर्स करवा के देना, ठीक है। दूसरा ऐसा कि ये सक्सेसफुल पार्टी को कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ना ही ये लूजिंग पार्टी को किसी तरीके से पनिश करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज द कंडीशन या फिर लिमिटेशन, अगर मान लीजिए पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट में मेंशन की गई है, हाँ, तो उस एग्रीमेंट के बेसिस पे कोर्ट कॉस्ट ग्रांट करना या नहीं करना ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है। कोर्ट पार्टीज के एग्रीमेंट से कहीं पे भी गवर्न नहीं होगा, और ना ही कोर्ट का बेसिकली कॉस्ट को ग्रांट करने का जो डिस्क्रिशन है ये पार्टीज के बीच में एंटर्ड कोई एग्रीमेंट कर्टेल कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी कंडीशंस या लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब की गई होगी सपोज एग्रीमेंट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन द पार्टीज, वो कर्टेल नहीं कर सकते कोर्ट के डिस्क्रिशन को। कहने का मतलब है चाहे लाख एग्रीमेंट हो फिर भी इट वुड बी द कोर्ट हु विल डिसाइड ग्रांट करना है नहीं करना है कॉस्ट। नेक्स्ट इज पार्टीज जो है वो इंसिस्ट नहीं कर सकती है कोर्ट को कि आप कॉस्ट ग्रांट करो जैसा कि पार्टीज ने एग्रीमेंट के बीच में तय किया है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज करेगा अपना डिस्क्रिशन अवॉर्ड करने के लिए कॉस्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में सेक्शन 122 और सेक्शन 125 ऑफ द सीपीसी में। नेक्स्ट इज व्हेन कॉस्ट मे बी इम्पोज, कब कॉस्ट इम्पोज किया जाएगा। तो कॉस्ट जो है जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फॉलो कॉस्ट मस्ट फॉलो द इवेंट, ठीक है। दूसरी बात सक्सेसिव पार्टी जो है वो डिप्राइव ऑफ द कॉस्ट, अगर सक्सेसिव पार्टी जो है वो डिप्राइव हो सकती है कॉस्ट से अगर उसने सूट फाइल करते वक्त में कोर्ट को ऐसा समझ में आता है कि अनजस्टिफाइबल कंडक्ट है पार्टी का, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो उसको कॉस्ट देने से मना कर सकता है। दूसरा जो अनसक्सेसफुल पार्टी है बेसिकली है ना, उसको भी कोर्ट जो है कॉस्ट ग्रांट कर सकता है। अभी तक हमने देखा प्लेंटिफ को ग्रांट कर रहा था, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि इवन कोर्ट जो है वो जो अनसक्सेसफुल पार्टी है उसको भी कोर्ट ग्रांट कर सकता है अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि पार्टी फेल हो गई है मैटर में ड्यू टू सम टेक्निकल ग्राउंड, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्राउंड। तो कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर अनसक्सेसफुल पार्टी को भी कॉस्ट जो है वो ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट इज व्हेन कॉस्ट मे नॉट बी वॉरंटेड, कब कॉस्ट जो है वो ग्रांट नहीं होगा। तो अगर जो सक्सेसफुल पार्टी है यदि उसने अनजस्टिफाइबल कंडक्ट किया है, हाँ, यानी वो पार्टी जो है बोनाफाइड इंटेंट नहीं था उसका कोर्ट में आने का, देन इन दैट केस कॉस्ट जो है वो नहीं ग्रांट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, द कॉस्ट मे नॉट बी वॉरंटेड। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप का जो कॉस्ट है वो देखते हैं। सेकेंड टाइप का कॉस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35A, जिसे कि हम कॉम्पनसेटरी कॉस्ट कहते हैं। कॉम्पनसेटरी कॉस्ट मतलब कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर कोई फॉल्स या वैक्सेशियस लिटिगेशन फाइल करता है या फॉल्स या वैक्सेशियस डिफेंस अपना फाइल करता है, देन इन दैट केस अदर साइड जो है उसको कॉम्पनसेटरी कॉस्ट कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। इफ एनी ऑफ द पार्टी टू द सूट ऑब्जेक्ट्स टू द क्लेम या फिर डिफेंस कि ये फॉल्स या वैक्सेशियस है, क्लेम फॉल्स या वैक्सेशियस है या डिफेंस फॉल्स या वैक्सेशियस है, एंड द पार्टी पुटिंग फॉरवर्ड द क्लेम और अ डिफेंस नोज दैट इट इज फॉल्स एंड वैक्सेशियस, और जो भी पार्टी बेसिकली अपना क्लेम या अपना डिफेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहा है उसको पता है कि वो झूठा क्लेम या झूठा डिफेंस रख रहा है, एंड सच अ क्लेम और डिफेंस इज डिसअलाउड, और कोर्ट ने ये जानते हुए कि हाँ भाई ये फॉल्स और वैक्सेशियस है उसको क्या कर दिया, क्लेम को या डिफेंस को डिसअलाउ कर दिया है, अबेंडन कर दिया है या फिर विड्रॉ करने के लिए बोला, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर। तो कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, एक ऑर्डर कर सकता है और ऑर्डर के तहत बेसिकली बोल सकता है कि पे करो कॉस्ट किसको, ऑब्जेक्टर को, क्योंकि इट इज द ऑब्जेक्टर। उसने क्या किया, कोर्ट को ध्यान में लाया कि जो क्लेम है या फिर जो डिफेंस है वो कैसा है, फॉल्स या फिर वेक्सेशियस है। नेक्स्ट इज कॉस्ट शेल बी पेड
by the party by whom such claim or defense has been put forward to the objector, और ये किस फॉर्म में पे किया जाना चाहिए, कॉम्पनसेशन के फॉर्म में पे किया जाना चाहिए. नेक्स्ट इज अदर प्रोसीडिंग्स इंक्लूड, इसमें अदर प्रोसीडिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी और क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी. तो अदर प्रोसीडिंग्स में यानी न सिर्फ सूट में प्रोवाइड होगा, यानी सूट में तो प्रोवाइड होगा ही होगा कॉस्ट, इसके अलावा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी कॉम्पनसेटरी कॉस्ट अलाउड होगा, बट ये अपील और रिविजन में अप्लाई नहीं होगा. क्यों अपील और रिविजन में नहीं अप्लाई होगा, कहने का मतलब है कि अगर आपने ओरिजिनल सूट में नहीं मांगा और अभी आप अपील में या रिविजन में मांगने जा रहे हो तो वहां पे वो अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट इफ होल दैट सच अ क्लेम और डिफेंस इज फॉल्स और वेक्सिशियस शेल रिकॉर्ड दी रीजंस फॉर इट. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, अगर यह कोर्ट हेल्ड कर देता है कि किस ये जो क्लेम है या जो डिफेंस है ये फॉल्स या वेक्सिशियस है, कोर्ट पार्टी के द्वारा जो किया गया क्लेम या फिर डिफेंस है वो फॉल्स या फिर वेक्सेशियस है, तो कोर्ट जो है उसको डिसअलाउ कर रहा है, उसको अबेंडन कर रहा है, बट ऐसा करते वक्त में कोर्ट मस्ट स्टेट अ रीजन फॉर द सेम. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्पनसेटरी कॉस्ट. तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है कि टू डील विद सच केसेस इन विच सफिशियंट कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 35. इसमें वो सारे केसेस कवर हो जाते हैं जो कि सेक्शन 35 में जिनको हम कॉस्ट ग्रांट नहीं कर सकते उनको सेक्शन 35 के अंतर्गत बिठा के अगर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सफिशियंट कॉम्पनसेशन हम ग्रांट नहीं कर पाए सेक्शन 35 में और यहाँ अगर कर सकते हैं देन इन दैट केस वहां पे वो सब केसेस हम इसमें कवर करेंगे. दूसरी बात है टू अवॉर्ड द कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन एक्सेप्शनल केसेस. हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेटरी कॉस्ट कहां देते हैं, जहां पे एक पार्टी जो है वो वेक्सेशियस या फॉल्स लिटिगेशन फाइल करती है और दूसरी पार्टी को उससे उसको डिफेंड करने में सफर करना होता है या उसको क्लेम साबित करने में सफर करना होता है, वहीं पे सिर्फ कॉम्पनसेटरी कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है. साथ ही साथ ये एक तरीके का चेक है, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट का जो प्रोविजन है ये एक तरीके का चेक है किसी भी फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट लिटिगेशन के ऊपर. नाउ स्कोप क्या है कॉम्पनसेटरी कॉस्ट का, तो कहने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स को अप्लाई होता है, अपील एंड रिविजन को अप्लाई नहीं होता है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट के द्वारा ही ग्रांट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले. सेक्शन 35B जो है ये थर्ड टाइप के कॉस्ट के बारे में डील कर रहा है. थर्ड टाइप का जो कॉस्ट है इसे हम कहते हैं कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले. अगर मान लीजिए डेट जो है वो कोर्ट के द्वारा हेयरिंग के लिए फिक्स की गई है या फिर अदर कोई स्टेप्स आगे फॉरवर्ड स्टेप्स या टेकिंग स्टेप्स के लिए रखी गई है, फिक्स की गई है, लेकिन पार्टी जो है उस पर्टिकुलर डेट को स्टेप नहीं लेती है या फिर एडजर्नमेंट ले लेती है ना, देन इन दैट केस कोर्ट जो है उस पार्टी को बोलेगा कि आप कॉस्ट पे करो टू अदर पार्टी. ठीक है, एस ये कॉस्ट जो रहेगा दिस वुड बी कंसिडर टू बी अ कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले. पार्टी को लेना था ना स्टेप टाइम पे, पार्टी ने नहीं लिया, उसने क्या किया डिले कॉस्ट किया, तो ऐसे वक्त में उसने क्योंकि डिले कॉस्ट किया है कोर्ट उस पार्टी को बोलेगा कि आप कॉस्ट पे करो टू दी अदर पार्टी. दूसरी बात, कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस जब वो कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले ग्रांट करेगा. थर्ड, द अमाउंट जो है वो भी डिटरमाइन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि कितना अमाउंट में रिएम्बर्स किया जाना चाहिए या पार्टी को इस मैटर को अटेंड करने में अंदाजन कितना पैसा लगा होगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट को कॉस्ट के रूप में ग्रांट किया जा सकता है. जो भी नेक्स्ट डेट होगा द पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट, ये कंडीशन प्रेसिडेंट होगा. जब तक ये कॉस्ट पेड नहीं कर दिया जाएगा तब तक मैटर जो है वो आगे प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी, अदर प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा. ठीक है, तो दिस पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ द सूट बाय द प्लेंटिफ और द डिफेंस बाय द डिफेंडेंट. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्या होता है इस तरीके के कॉस्ट का, तो इस तरीके के कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले का जो ऑब्जेक्ट है वो ये होता है कि रिएम्बर्स किया जा सके लिटिगेंट को वो सारे एक्सपेंसेस जो उस पर्टिकुलर पर्सन को उस मैटर को प्रोसिक्यूट करने में लगे हैं. दूसरी बात, ये किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं है डिफॉल्टिंग पार्टी को, नॉर ये एक्चुअली एक तरीके का कोई एक पार्टी को प्रॉफिट देना या गेन देना, ये भी इसके पीछे की मंशा नहीं है. सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम मैटर जो है वो
आगे चलता रहे, दैट इज द ओनली पर्पस जिसके लिए कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले का प्रोविजन लाया गया है. नाउ इस प्रकार के बेसिकली कॉस्ट का पर्पस क्या होता है, तो टू डिस्यूट द लिटिगेंट्स फ्रॉम अडॉप्टिंग डिलेइंग टैक्टिस बाय वे ऑफ सीकिंग द एडजर्नमेंट. यानी कुछ कुछ एडवोकेट्स या कुछ कुछ क्लाइंट जो है उनको एडजर्नमेंट ले लेके एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेटेड कर देना चाहते हैं अदर साइड को. तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले का प्रोविजन है, देन इन दैट केस वो डिस्यूट करेगा लिटिगेंट्स को फ्रॉम अडॉप्टिंग डिलेइंग टैक्टिस, है ना, बाय वे ऑफ सीकिंग द एडजर्नमेंट. ये किसी तरीके की पेनाल्टी के रूप में नहीं इम्पोज किया जाता है. नेक्स्ट इज व्हेन कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट. तो कहने का मतलब है ऑन द हेयरिंग, या फिर जब पार्टी को स्टेप लेने के लिए बोला जाए लेकिन पार्टी फेल हो जाए, देन इन दैट केस कोर्ट जो है बोल सकता है पार्टी को कि आप पे करें कॉस्ट टू द अदर साइड. नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट. अगर मान लीजिए पार्टी ने कॉस्ट पे नहीं किया, देन इन दैट केस व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज. तो यहाँ पे बोला है अगर प्लेंटिफ है जिसको बोला गया है पेमेंट करने के लिए बट वो फेल हो गया है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो मैटर आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि वो कॉस्ट पे नहीं कर देता. अगर मान लीजिए डिफेंडेंट है जिसको बोला गया कॉस्ट पे करने के लिए और डिफेंडेंट फेल हो जाता है पे करने में कॉस्ट, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो सूट को एक्स पार्टी हर्ड करेगा. अगर इफ नॉट पेड बाय द पार्टी द कोर्ट शेल प्रिपेयर अ सेपरेट फॉर्मल ऑर्डर. अगर मानो दोनों में से जो भी पार्टी थी उन्होंने नहीं पे किया और ऐसे में कोर्ट जो है ना तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहा है और ना ही मैटर आगे बढ़ा रहा है, तो कोर्ट जो है इसमें क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है सेपरेट फॉर्मल ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ द कॉस्ट. और जो इस तरीके का ऑर्डर कोर्ट पास करेगा वो बेसिकली जो ऑर्डर होगा उसको डिक्री का नेचर रहेगा और उसे हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ द बेसिकली कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एज मिसलेनियस कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले ऑर्डर 20A. अब इसमें क्या दिया हुआ है, कहने का मतलब है फॉर गिविंग ऑफ एनी नोटिस बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, उसके लिए जो कॉस्ट लगा है वो, जैसे हम बेसिकली सूट फाइल करने से पहले एक नोटिस भेजते हैं ना और उसमें नीचे लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ द एडवोकेट फॉर दिस नोटिस 2000 रुपए 2500 रुपए ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे फॉर गिविंग ऑफ एनी नोटिस बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, अगर पार्टी ने सूट फाइल करने से पहले जो कोई भी नोटिस अपोजिट पार्टी को भेजा होगा उसके लिए जो कॉस्ट इनक्योर हुआ होगा वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा. दूसरा ऑन टाइपिंग राइटिंग प्रिंटिंग ऑफ प्लीडिंग्स फाइल्ड बाय एनी ऑफ द पार्टी, उसको लगने वाला खर्चा, विटनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है आने जाने का भत्ता देना पड़ा हो विटनेसेस को वो पैसा, देन ऑन चार्ज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ सूट. सूट के पर्पसेस से अगर किसी रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने की जरूरत पड़ी होगी तो उसके लिए लगने वाला खर्चा, एंड ऑन चार्जेस इनकर्ड बाय द पार्टी फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड द डिक्री रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ अपील. तो कहने का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ साथ लोअर कोर्ट के जजमेंट की कॉपी, डिक्री की कॉपी, उस कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए जो खर्चा लगा है ना, सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए जो खर्चा लगा है, ये सब भी चार्जेस जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. दिस वुड बी कवर्ड अंडर द हेड मिसलेनियस कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले ऑर्डर 22A. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट. वी हैव डेल्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, वी हैव डेल्ट विद द पर्पस, ऑब्जेक्ट, काइंड्स एंड डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द इंटरेस्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. थैंक यू.